मैं ऑल द अगला टाइम करे बुलबुल को डंकी भाई जैसे हस्बैंड मिले, ओ भाई मारो मुझे मारो। और लोग भी मान नहीं रहे ना यार, लोग ऐसे टाइम में भी बाहर निकल रहे हैं। नहीं निकलना है यार गाइस, प्लीज बी सेफ, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। सब कुछ अपने पास रखना है और आपको पता ही होगा कि क्या करना है। मैं लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ बट हाँ फिर भी हाँ वो अक्षय कुमार का नीम है ना, लोग बोलेंगे हाँ हाँ चल अपने बाप को बस सिखा। चल 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 बाप को सिखा रहे। मेरे को सुबह से वाला नीम याद आ रहा था कि अपुन को बहुत धक धक हो रहा है यार, अपुन नहीं बचेगा यार। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। बहुत देर लगा दी तुमने आते आते, बहुत देर लगा दी। हाँ यार सोकर ही लेट उठी थी ना यार मैं थोड़ा सा। लॉकडाउन के असली मजे तुम भी ले रहे हो सो सोकर। अरे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना यार अभी। अच्छा वो रात रात में भी काम करना पड़ रहा है ना। बहुत हालत खराब हो रही है अभी तो काम कर करके घर में। अभी तक पता है 40 लोग देख रहे थे मुझे, तू आई और 60 लोग हो गए। फैंस देख रहे हो बुलबुल के? कोई फैंस क्या है, ये तो पागल है अपन दोनों डांस। 67 लोग हो चुके हैं। तो गाइस बुलबुल आ चुकी है और बुलबुल के तेरे फैंस भी आ गए होंगे ना इसमें लाइव स्ट्रीम में। शायद तू भी लाइव दिख रही होगी ना लोगों को। शायद हाँ मुझे यही लग रहा है। सो बुलबुल के जितने भी फॉलोअर देख रहे हैं ना मुझे, मुझे भी फॉलो कर लो सब फटाफट। मुझे कर नहीं रहे यार, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत है यार, 10,000 तो होना चाहिए कम से कम। कुछ कुछ भी नहीं रखा है जीवन में, मरना ही है एक ना एक दिन सबको। अभी तो ऐसे ही लग रहा है सब मरने वाले, पूरी दुनिया खत्म होने। कुछ नहीं रखा है इन सब में, पूरी दुनिया खत्म होने वाला है, अपुन नहीं बचेगा यहाँ पर। त्रिवेदी भी नहीं बचेगा अब तो ऐसा लग रहा है। ये ठंडे ठंडे कोला कोला कोला। अभी पता है तू देखेगी ना, अभी मत पी कोको कोला, तुझे सर्दी हो जाएगी ना तो गलत फेमी हो जाएगी लोगों को कि तुझे कोरोना हो गया। कोई बात नहीं, पता है ऐसे ही किया था मैं, ऑफिस गई थी। हाँ। तो ऑफिस जाते ऑफिस के लिफ्ट का वेट कर रही थी तो वहां पे पता है दो अंकल है पास में खड़े हो गए। मेरा फोन था उसने उसके मुंह पर छींक दिया और मैंने खांस दिया तो डर के मारे निकल ही गए। इतने हंस रहे थे हम यार, ऐसा करना चाहिए लोगों के साथ में। हाँ इस पे भी अभी प्रैंक बनेंगे थोड़े दिन बाद है ना, प्रैंक वीडियो इस पे भी बनेंगे देखना, लोग एक दूसरे के पास जाके। पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार। गर्मी? हाँ गर्मी बढ़ गई यार। लोगों में ये गलत फहमी थी कि गर्मी में फैलेगा नहीं कोरोना, पर ये भी गलत साबित हो गया है, गर्मी में भी फैलेगा वो। वो तो है। मेरे को तो पता है अभी भी इतनी नींद आ रही है ना कि मैं सो जाऊं। वो तो तूने बोला मैं लाइव आई हूँ। यार लोग बहुत याद कर रहे थे तुझे लोग, इसलिए मैंने बोला। कहीं नहीं हूँ यार गाइस, यही पर ही हूँ, जिंदा हूँ फिलहाल तो। लोग बोल रहे हैं बुलबुल के साथ वीडियो आ नहीं रहे यार, बुलबुल के साथ वीडियो डालो। मैंने बोला बुलबुल बंद है, मैं भी बंद हूँ, कैसे डाले वीडियो। वही तो है, कुछ तो करो गाइस, कुछ करो यार, दुआ करो यार, सब फटाफट खत्म हो जाए कोरोना, फिर हम यार दोबारा से वीडियो बनाए। घर के अंदर ही बैठे हुए हम पागल की तरह। हाँ बहुत बेकार मामले हो रहे यार अभी घर में रह रहे के। मैं पता 4 दिन से घर के अंदर, 4 दिन से घर से निकली हूँ मैं खुद यार, 4 दिन इवन छत पर भी अब भी आई हूँ मैं तो। हाँ मैं भी वैसे तो मैं घर में रहता था क्योंकि घर में वीडियो बनाता हूँ मैं तो, पर रात में तो रात में बाहर निकलता हूँ मैं, पर रात में भी बाहर नहीं निकल पा रहा। ये आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। वाह
बहुत नई चीज बताता है यार तू। बताया नहीं है, मैं सोचा तुझे पता नहीं होगा। कर्फ्यू लगा है क्या? हाँ यार लगा हुआ है ना यार, घर में ही फंसे पड़े हुए हम लोग। ये अच्छा है कि नेट चालू है। हाँ, नेट, अच्छा नेट, नेट बंद हो जाता तो पता नहीं। अच्छा नेट है तो। नेट बंद होता तो पता नहीं क्या हो जाता यार। हाय बुलबुल को भी अपने रिएक्शन चैनल बना लेना चाहिए। नहीं भाई नहीं यार, भाई भाई क्यों रिहान के पेट पे लात मारने को चले हो गाइस। हम भी घर में ही बंद है, वहां भी सब लोग घर में ही बंद है पता। कोई बात नहीं। क्या हो गया तुझे, गर्मी लग रही है क्या ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा, इसलिए रूम में आई हूँ मेरे। क्या फिर वहां पे भी कर्फ्यू है क्या गाइस? कैसा चल रहा है वहां पे सब कुछ? आई एम फ्रॉम कोलकाता भाई, कोलकाता से भी देख रहे तुझे। कोलकाता का तो मैं न्यूज देख रही थी यार, बहुत ज्यादा ही बुरी हालत है, पुलिस तो बहुत मार रही है वहाँ के लोगों को। हाँ अभी गुजरात का भी वीडियो भेजा था मुझे कृष्णा ने, बहुत गंदे हाल है वहाँ भी, मार रहे लोगों को। पुलिस तो भयंकर मार रही है यार सब लोगों को। बहुत ज्यादा, और लोग भी मान नहीं रहे ना यार, लोग ऐसे टाइम में भी बाहर निकल रहे। नहीं निकलना है यार गाइस, प्लीज बी सेफ, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। सब कुछ अपने पास रखना है और आपको पता ही होगा कि क्या करना है। मैं लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ बट हाँ मेरी हाँ वो अक्षय कुमार का नीम है ना, और लोग बोलेंगे हाँ हाँ चल अपने बाप को बस सिखा। चल 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 बाप को सिखा रहे। पता है मेरे को सुबह से वाला नीम याद आ रहा था कि अपुन को बहुत धक धक हो रहा है यार, अपुन नहीं बचेगा यार। सच में यार सीधी कि सिर्फ सैनिटाइजर बच जाएगा मैं मर जाऊंगी। हाँ यही होगा, बस यही होगा, सैनिटाइजर तो अभी किंग बने हुए हैं। और अब तो कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि अपुन अश्वत्थामा है। अपना प्ले बटन दिखाओ। तो गाइस मैं बटन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड ये देख लो भाई। ओ माय गॉड दिख रहा है क्या? उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, एम्ब्रोज लिखा हुआ है ना, यूट्यूब पे उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप इसको मिरर में रख के देखना तो आप लोगों को सीधा दिखेगा। यार मियान क्यों डस रहा है लोगों को? भाई आप लोगों की तरफ से तोहफा है ये। रिहान भाई आप किस सिटी से हो बताओ, किस सिटी से? हम दोनों इंदौर से हैं, पता है क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोरोना इतनी जल्दी नहीं फैला, क्योंकि सब साफ सुथरा है, सब क्लीन है। बुलबुल अपना रूम दिखाओ, क्या करोगे यार रूम देख कर मेरा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उससे भी हम पैसे कमाएंगे। उससे भी हम पैसे कमाएंगे। हाँ काम ही हमारा यही बन गया, पैसे कमाना। मैं भी इंदौर से हूँ। अच्छा इंदौर से? इंदौर से तेरे ही फैंस है यार। बुलबुल आपने मेरा फॉलो रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया एक्सेप्ट आपका फॉलो रिक्वेस्ट? मैं देखूंगी जरूर, अभी चेक करूंगी और एक्सेप्ट कर लूंगी। बुलबुल के पास पता है हजारों रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, बुलबुल को आलसी आती है। यार हजार नहीं है, 300 के ऊपर है बस। हाँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हजार हो ही जाएगी ना। इसमें ऑप्शन आना चाहिए यार एक्सेप्ट ऑल का। गाइस बुलबुल का इतना सब वेट कर रहे थे यार, पूछो कुछ सवाल उससे। हाँ यार गाइस सवाल हो जाए, आई एम लकी। बुलबुल आपके पिक बहुत अच्छी होती है इंस्टा पे, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आरफी। थैंक यू, प्लीज मेरा नाम ले लो बुलबुल। किसी और ने बोला है डैनियल। आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, अनम फ्रॉम न्यू जर्सी। न्यू जर्सी वाली अनम मुझे भी फॉलो कर लेना। हाँ
गुजरात पाकिस्तान से। शादी कब करोगी? अरे यार क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हो, मुझे नहीं करनी है शादी यार। बहुत लोग तो पता है बोलते है, तुमने बुलबुल से शादी क्यों नहीं की। अरे हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है कि हमको शादी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। हम लोग जब बाहर निकलते हैं या घर में भी मस्ती करते तब लोगों को यही लगता है कि हम लोग कपल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्ती ऐसी करनी चाहिए गाइस। हाँ, लोग धोखे में रहो तो आप लोग धोखे में हो। हाँ ऐसे ही होना चाहिए। बुलबुल आपकी एज क्या है यार? लड़कियों से एज पूछते हो यार, मैं भी पूछता हूँ वैसे। मेरी एज क्या हो सकती है यहाँ बताइए? मेरे बराबर है ये, मेरे बराबर, मेरे से छोटी है एक साल। एक साल छोटी हूँ मेरी हाथ से। साहिल को भी बुला ले, साहिल सबके साथ अलग अलग ज्वाइन करूंगा मैं। कल साहिल के साथ, परसों गिनी के साथ, फिर किसी और के साथ। अभी बहुत, अभी हम लोग बहुत ज्यादा ही फ्री है गाइस, आप टेंशन मत लो, हम डेली आते रहेंगे। पूनम रिएक्शन ने ज्वाइन किया है, वो बोल रही है बुलबुल बुल पेप्सी दे दो, आप तुम बात करो। गर्ल्स से एज और बॉयज से सैलरी नहीं पूछते? नहीं पूछ सकते, पूछ सकते। हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है सारी चीजें। हाँ वो अलग बात है, हम झूठ बता देते। नहीं मैं तो सच बताऊंगी। एज का तो सही बता देते, झूठ है। नहीं एज का तो सच बता सकते, सैलरी का झूठ बताना चाहिए। हाँ सैलरी का झूठ बताते ये तो है। अभी मैं इंदौर में, कहाँ से रेहान भाई? इंदौर में विजयनगर के आसपास ही। विजयनगर के आसपास। प्रॉपर एड्रेस नहीं दूंगा। टैटू के बारे में बताओ बिल्कुल। मेरे 7 टैटूज है और उसमें से मेरा एक, दो फेवरेट टैटू है बस, इसके अलावा और क्या जानना मेरे टैटू के बारे में। दिखा ना हाथ वाला, दिखा दे। दिखा ना, दिखा ना, ये दिखा ना। बुलबुल आपकी कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, नहीं। सब डरते इससे लड़के, कोई बॉय गर्लफ्रेंड नहीं बनाता इसको। नहीं है मेरे, मतलब बॉयफ्रेंड तो नहीं है बट हाँ प्रपोजल आते रहते हैं। हाँ पर डर के मारे सब फिर बाद में खुद ही अपना प्रपोजल वापस ले लेते। हाँ मना कर देती हूँ ना। मोटे मोटे वीडियो बनाया करो का मतलब क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। पूनम मोटे मोटे वीडियो मतलब वो मुझे समझ नहीं आया सच में। बड़े बड़े हो सकता है, बड़े बड़े बोल रही हो। कराची की बिरयानी खाओगे अगर आप पहुंचा दो यहाँ तक तो बिल्कुल खा लेंगे। पर बिरयानी में वेज होना चाहिए, बुलबुल वेजिटेरियन है। मैं नहीं खा सकती हूँ यार, रेहान के लिए पहुंचा दीजिएगा। योर सेक्सी हेयर कट बुलबुल, अभी मुझे कल ही किसी ने बोला था यार मुझे बुलबुल के बाल बहुत पसंद है। मुझे भी यार। हाँ एक लड़की है अनम करके, अनम नाम है उसका, उसने बोला था मुझे बुलबुल से बात करवाना। इंडिया में कितने केसेस हो गए यार? 450 हो गए यार, 450। हाँ राउंड फिगर में 450। तकरीबन 13 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं नहीं 13 नहीं, 8 ही लोग हैं। 8? हाँ 8 लोग। खतरनाक हाल तो इटली में है यार, कल ही 600 लोगों की डेथ हुई वहां पर। बता देते हम बहुत सीधे लोग हैं, हम अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, कुछ लोग छुपा के रखते हैं। सारी कोक पीली हमें पूछा भी नहीं यार, सॉरी यार। आ जाओ आपको बहुत सारी कोक पिलाएंगे। तू गलत मत ले यार, कोरोना वायरस कैसा जा रहा है घर में लॉक के, और कैसा जाएगा, इससे ज्यादा भैयात तो हो नहीं सकता ये चीज। क्या नाम लो? मुसादिक आवान जी, ले लिया आपका नाम। बुलबुल रेहान से बचकर हो, हद्दी हो गई यार, लोग क्या क्या सोचते हैं। ठीक है आवाज अच्छे से आ रही है बुलबुल मेरी।
अरे एक नंबर, कान के हाथ पार जा रही माय नेम इज हुजैफा। ये देखो ये लड़के की डीपी लगाई हुई है और नाम हुजैफा, और किसी ने लड़की की डीपी लगाई और हे लड़का ये गेम कर जाएगा तुम्हारे साथ। अरे हद्दी हो गई यार, भरोसेमंद आदमी है। भरोसेमंद आदमी से ही पहचान रखते हम, ऐसे ऐसे से नहीं रख सकते। आपके क्या था, आपको सलाम भाई भाई सब आप सलाम पर हो। नहीं मैं थी बट मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। रिहान अभी भी है, तेरे एक दो वीडियो है ना टिकटॉक पे। हाँ मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। वेयर इज योर वाइफ? माय वाइफ इज एट हर होम इन लॉस। माइके गई है? क्या मेरी माइके गई है? वो माइके जाके ना लॉकडाउन हो गई ना, अब आ नहीं पा रही है। ओके देख रहे हो कितना खुश हो रहा रिहान इस बात से। रिहान भाई पंजाबी स्टार्ट करो। पंजाबी सीखना यार, मुझे बहुत मस्त लैंग्वेज लगती है। पंजाबी में सॉन्ग भी इतने अच्छे अच्छे बनते हैं कि वो समझ में नहीं आते पर सुनने में मजा आता है। नहीं मेरे को समझ में आ जाता है पंजाबी सॉन्ग, थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं। बहुत चीज समझ में आती है, बहुत सारी नहीं भी आती है। अगर वो चीज समझ में आ जाए तो और मजा आएगा ना समझ सुनने में। बेचारा रिहान, क्यों बेचारा, कब से हो गया वो? वो मेरी शक्ल देख के ना सब मुझे बेचारा ही बोलते, पता नहीं क्यों। अच्छा रियलिटी तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आजकल लोगों के मजे कहाँ चले गए, आजकल लोगों के मजे घर में, घर में ऑल द टाइम। अल्लाह करे बुलबुल को डंकी भाई जैसा हस्बैंड मिले। ओ भाई मारो मुझे, मारो। नहीं भाई डकी भाई नहीं चाहिए हमको। कैसा हस्बैंड चाहिए बुलबुल तुझे बता दे। मुझे हस्बैंड चाहिए। पंजाबी? हाँ पंजाबी सरदार। सरदार असरदार, एक सरदार सब पे भारी। इनको वाइफ चाहिए, किनको? मुझे वाइफ भी नहीं चाहिए, मुझे हस्बैंड भी नहीं चाहिए। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए यार? थैंक गॉड आप दोनों नजर तो आए। बहुत दिन से हम नजर नहीं आए थे ना वीडियो में। क्वेश्चन कर रहे यार लोग, कुछ कुछ को तो मैंने ब्लॉक कर दिया पता है। अभी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे, ब्लॉक कर दिया। सवाल ऐसे करे ना तो मैं भी ब्लॉक कर दूंगी। हाँ That comment was not cool. Yeah, exactly. His personal life में interfere ना करे guys. Please, 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 please. यार हम ना अभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं ना कि हमें लोग कुछ भी बोल सकते हैं, और हमारी यही मॉरल ड्यूटी कि हमें उनको इग्नोर करना है। हम लाइफ के उस दौर में आ चुके हैं, इतने लोग हमें जान गए। रेहान बुलबुल की तारीफ में कुछ बोलो। क्या बोलूं तारीफ में? नहीं 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 मत बोल यार कुछ भी, मैं शर्मा जाऊंगी। नहीं हम दोस्त ना एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, हम एक दूसरे के कचरे करते। एक दूसरे की बेइज्जती करते हम दोस्त लोग। वैसे आप दोनों इंस्टा पर रिप्लाई ही नहीं करते। बुलबुल इंस्टा पर रिप्लाई क्यों नहीं करती है तो सबको? मैं इंस्टा पे रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इंस्टा पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती। लाइक 3000 के ऊपर मेरे पास मैसेजेस है। अरिका पर रिएक्शन करो उनके बीएफ के साथ, अरिका का बॉयफ्रेंड भी यार मुझे नहीं पता था। और अरिका नहीं दिल ने टूटा, अरिका ने हमारा दिल तो बहुत बार तोड़ा है क्योंकि उनके वीडियोस जब भी डालते हैं उन पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से अरिका ने तो हमारा दिल बहुत पहले तो तोड़ दिया है। Will you ever visit Pakistan? आप दोनों वीडियो कॉल? Yes, we will. एक बार करतारपुर चलेंगे यार, करतारपुर, करतारपुर साहिब। हाँ Hi. ब्लेस बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह बहुत प्यारे हो दोनों। थैंक यू आप भी बहुत प्यारे हो।
सब लोग ही बहुत प्यारे यार, कहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमें। कभी सोचा नहीं था मैंने तो इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे मेरे। मजाक मजाक रिएक्शन वीडियो बनाया था मैंने। पहला वीडियो तो मैंने पता ऐसे ही मजाक मजाक में डाल दिया था यार, चलो डाल देता हूँ। और उस पे मेरी तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था यार वो। हाँ, आपका पहला वीडियो कौन सा था? मेरा पहला वीडियो था, एक मूवी थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके ट्रेलर पे पंजाब नहीं जाऊंगी। और वो उस मूवी उस टाइम पे ना वो मूवी नई आ रही थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें, शायद उस वजह से वो पहला ही वीडियो हमारा वायरल हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने हमें फिर रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि यार इस पे भी करो, उस पे भी करो, उस पे भी करो। फिर हमने करना स्टार्ट कर दिया था और फिर हमारा चैनल ग्रो कर गया। ये तो वही मिर्जापुर वाला सीन हो गया है ना, शुरू मजाक में किया था पर अब मजा आने लगा है। हाँ, हाँ, वही 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 हुआ है। सच में मजाक में शुरू किया था मैंने तो, पर अब मजा भी आ रहा है। हेलो बुलबुल, हाउ आर यू? खुद ही आपस में बातें कर रहे हो? नहीं यार, हम आपस में थोड़ी बातें कर रहे हैं। राउंड टू हेल के बारे में कुछ बोलो। बुलबुल आजकल अपने फोटोज पे कमेंट का रिप्लाई करना बंद कर दिया है, पहले तो करती थी। सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी मैं इस चीज का। बिल्कुल।